हेलो दोस्तों, मैं विभा, आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बची हुई ब्रेड से इसका हलवा बना के दिखाएंगे। हलवा भी आप कह सकते हैं, मिठाई भी कह सकते हैं, बर्फी भी कह सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आपके घर में जो भी सामान होगा उसी से बन जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेड हमारे पास बची हुई है, तो अभी हमने और रेसिपीज बनाई थी तो उसमें साइड बचे हुए हैं, और बची हुई ब्रेड ऐसा मतलब है जैसे ये बैक साइड रहता है ब्रेड का, एक नीचे का एक ऊपर का बच जाता है, और यदि ब्रेड नहीं किसी ने खाई तब भी बच जाती है, तो आप फ्रिज में रख दीजिए, बस वो खराब ना हो पाए। और इनको कैसे बनाएंगे हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आता है तो आप उसको खिला देंगे, कोई भी इसमें खराबी नहीं है कि बता नहीं कोई पाएगा कि आपने ब्रेड से बनाई है। तो चलिए हम बनाते हैं। जो हमारी बड़ी ब्रेड है उसके हम पीसेस इस तरीके से कर देंगे। आप चाहें तो पूरी फ्रेश ब्रेड से आप बना सकते हैं, आप ब्रेड का पैकेट ला करके बना सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपकी काफी अच्छी वाली ब्रेड हो, यदि आपके पास एक दो दिन की ब्रेड रखी है तब भी ये बन जाएगा। कुछ रेसिपीज होती हैं जिनमें आपको बिल्कुल ताजा ब्रेड चाहिए, तो इस तरीके से तोड़ करके अब हम एक मिक्सी जार में इसको पीस लेंगे। इस तरीके से जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे इन टुकड़ों को और बारीक बारीक पीस लेंगे। ये देखिए इतना बारीक हमने पीसा है, ऐसे आपको बारीक बिल्कुल पीसना है। अब हम इसी जार में, मिक्सी के इसी जार में ये शक्कर जो है डाल करके पीस लेंगे। हमने ये दो कटोरी हमारा ब्रेड क्रम्स है तो हमने एक कटोरी शक्कर पीसनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। अब हम इसे भी पीस लेंगे। तो ये हमने शक्कर भी पीस ली है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे चलिए दिखाते हैं आपको। ऐसे कोई हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम एक चम्मच देशी घी डालेंगे। आप देख सकते हैं सर्दियों में अगर बना रहे हैं तो ये कम से कम आपका 4 चम्मच घी है, अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं पिघला हुआ घी है तो आप 4 चम्मच डालिएगा। जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं आपको वही चम्मच यूज करनी है, तो आप इसको इस तरीके से डालिएगा। अब ये घी पिघल जाए फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। अब ये घी गर्म हो गया है, इसमें ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, अगर एक बार आप बना लेंगे तो इसको बार बार बनाएंगे, ब्रेड अक्सर घर में आती रहती है। अब इसको हम खूब अच्छे से भूनना है हमको, और ये हमने फ्रेश क्रीम ली है, आपके घर में जो दूध आता है ये उसी की मलाई है, अगर ये नहीं है खोया है तब खोया भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से, गोल्डन ब्राउन तो है ही है, पता कैसे चलेगी, तो ये एकदम से भूरी भूरी सी फुटकर हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी एकदम, तो आपको पता चल जाएगा। ये ब्रेड क्रम्स हमारा भूनकर तैयार हो गया है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दिया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो करें, तो हमें पता चले कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए, कमेंट्स से पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे, और आपको गैस तेज नहीं करनी है, गैस मीडियम रखनी है। ये देखिए अच्छे से भुन गया है, इसका देखिए अब कलर चेंज लग रहा है। दूसरी चीज है कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, जब हम लोग ब्रेड फ्राई करते हैं तो खुशबू आती है, उसी तरीके से इसमें खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, गैस की फ्लेम को आप धीमा कर दीजिए और शक्कर डाल दीजिए, इसीलिए हमने शक्कर को पीस लिया है जिससे कि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। अभी इसमें मलाई भी पड़ेगी तो वो मेल्ट तो हो ही जाएगी, लेकिन पहले आप इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। जो हमारी मलाई है हमने निकाली है, यदि आपके पास खोया है तो पहले आप शक्कर को मेल्ट कर लीजिए, और नहीं मेल्ट हो रहा है तो 2 चम्मच दूध डालकर मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद में खोया डालिएगा।
दाने वाली शक्कर में अगर जरा सी भी लापरवाही हो गई तो फिर दाना किरकिराएगा दांतों के बीच में, तो आप शक्कर पीस कर ही लें। अब इसमें शक्कर भी मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसको फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए इतना हमने भून लिया है। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब क्या होगा कि इसमें जितना भी घी है ये साइड से देखिए अब हल्का हल्का रिलीज हो रहा है, ये हलवा घी छोड़ने लगेगा। आप इसको हलवा भी बना सकते हैं, इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं। अब ये हमने नारियल का चूरा इसमें मिला दिया है, ये हमने मार्केट से मंगवाया था वही है। इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे, बहुत ही टेस्ट अच्छा कर देता है। नहीं है तो आप मत डालिएगा। इसमें जो भी मेवा वगैरह डालेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज मत डालिए, कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम रेडी कर चुके हैं अपने हलवा को, अब इसको हम इसी तरीके से हटा लेंगे। आपको बर्फी जमानी है अगर तो आप थोड़ी देर इसको और इसी में भून दीजिए, बर्फी भी जम जाएगी इसकी। ये देखिए आप घी छोड़ रहा है, इधर आप देखिए साइड में बबल्स आ रहे हैं। ये हमारा बनकर के बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। जैसे आपको खाना हो वैसे आप खाइए। अब हम दिखाएंगे, ये देखिए आप, ये इस स्टेज पर है कि आप इसको जमाना चाहें तब भी ये जम भी जाएगा, और आप हलवा जैसा खाना चाहें तो ये हलवा जैसा भी है। अगर आप इसमें फूड कलर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बट हमने ऐसे ही बनाया है जैसे कि जो नेचुरल कलर है उसका वही बना रहे। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप घी ना यूज करना चाहें तो इस जगह पर कुछ भी आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें तेज फ्लेवर नहीं होना चाहिए, ज्यादा खुशबू वाला होगा तो फिर टेस्ट बिगाड़ देगा आपके हलवे का। अब हम इसमें थोड़ी सी गार्निश करेंगे, ये कुछ काजू के पीसेस हैं उनको डालेंगे। ये देखिए आप, कुछ बादाम हैं उनको डाल देंगे। ये सब ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालिए, नहीं मन है तो बिल्कुल मत डालिए। और थोड़ा सा हम इसमें पिस्ता भी डालेंगे, नारियल को तो हमने पहले ही इसमें डाल दिया है, तो आप नजदीक से देख सकते हैं कितना हेल्दी और टेस्टी हलवा बनकर रेडी हुआ है। इसके सामने मूंग का हलवा, उड़द की दाल का हलवा, चना का हलवा सब फीका पड़ जाएगा, और बहुत आसानी और बहुत जल्दी से बनता है। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये हलवा बनाने का तरीका कैसा लगा, और घर में बना के सबको खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।